आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं Asus की तरफ से आने वाले उनके एक नए ROG फोन के बारे में, जो कि आपको ROG फोन 5 के रूप में इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है। यहां पर हो सकता है कि ROG फोन 4 भी बन के आए, मगर रिसेंट लीक्स ये बताते हैं कि ROG फोन 5 ही आने वाला है। यहां पर आपको मैं इसकी सारी स्पेसिफिकेशन, इसकी प्राइसिंग और इसकी लॉन्च डेट के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंदर आप एंड तक जरूर बने रहिएगा। मगर उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके पास वाले बेल आइकन को दबाइए और ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस बार आपको जो ROG फोन 5 है ना, वो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर स्पेसिफिकेशन के साथ में देखने को मिलने वाला है। और इसका जो डिज़ाइन और इसका जो लुक है ना, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये डिवाइस जो है वो आप लोग जानते ही हो कि जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तो होता ही है, मगर इसके डिज़ाइन भी है ना हमको काफ़ी ज़्यादा यूनिक देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करना चाहेंगे इसके रियर साइड के डिज़ाइन के बारे में। सबसे पहले इसके पीछे का जो डिज़ाइन है ना, इस बार आपको कुछ न्यू लुक के साथ में देखने को मिलने वाला है। और रियर साइड में आपको एक सेकेंडरी डिस्प्ले जो है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ये जो डिस्प्ले है ना, वो आपको मैसेजेस और फोन कॉल को देखने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। इसी के साथ में रियर साइड में आपको RGB लाइटिंग जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो काफी ज्यादा यूनिक इस डिजाइन को बनाने वाली है। अगर हम लोग बात करें इसके कुछ और स्पेसिफिकेशन के ना, तो इस डिवाइस के अंदर आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला उनका 888 जो चिपसेट है ना, वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो भी काफी ज्यादा ग्रेट यहाँ पर निकल करके आने वाली है। इसी के साथ में इसी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए यहां पर आपको इस डिवाइस के अंदर 6.6 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि क्वाड HD पैनल के साथ में आती है, वो यहां पर देखने को मिलने वाली है। और इसी के साथ में इस डिवाइस के अंदर है ना, आपको 144 हर्ट्ज का जो हाई रिफ्रेश रेट पैनल है ना, वो यहां पर देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी ज्यादा स्मूथ आपकी डिवाइस को यहां पर बना देगा। अगर हम लोग बात करें यहां पर इसके बैटरी की ना, तो यहां पर आपको 6000mAh की बैटरी विद 65 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ में देखने को मिलने वाली है। यहां पर गेमिंग स्मार्टफोन है, इसलिए बैटरी भी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर एक छोटी सी कमी आपको देखने को मिलती है कि जो बेजल्स है ना, इस डिवाइस के अंदर काफ़ी बड़े देखने को मिलेंगे। ये बेजललेस डिस्प्ले जो है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। अगर बात कर लें यहाँ पर कैमरा डिपार्टमेंट की, तो रियर साइड में आपको यहाँ ट्रिपल कैमरा का सेटअप जो है वो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जो मेन सेंसर है वो एक 64 मेगापिक्सल का यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। सेकेंड में आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल और थर्ड में आपको एक टेलीफोटो लेंस जो है वो देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें यहाँ पर फ्रंट कैमरा की ना, तो वो आपको 16 या फिर 32 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने को मिलेगा। अभी कंफर्म नहीं है कि कितने मेगापिक्सल का यहाँ पर कैमरा होने वाला है। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इस डिवाइस के स्पीकर्स की, तो यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का जो सपोर्ट है ना, वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, जिसके कारण आपको जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है ना, वो काफ़ी बेटर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ जो स्पेसिफिकेशन है ना, इसके लीक होकर के निकल करके आए हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करना चाहेंगे इसके लॉन्च डेट की, तो अकॉर्डिंग टू लीक्स ये जो डिवाइस है ना, वो फेब के महीने के अंदर चाइना में देखने को मिल सकता है, और उसके तकरीबन एक महीने बाद ही आपको ये इंडिया के अंदर भी देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें इसके प्राइसिंग की ना, तो ये हो सकता है इंडिया के अंदर आपको तकरीबन 50 से लेकर के 60,000 की प्राइसिंग के अंदर इसका जो बेस वेरियंट है ना, वो यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो आप लोग मेरे को कमेंट के अंदर जरूर बताना कि आपको ये डिवाइस कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, तो इसको लाइक शेयर कर देना। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आए।